ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत ही स्पेशल बातें हमें समझा रहे हैं। ऊंच पद पाने के लिए, माला का मणका बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। हम सब जानते हैं 108 की माला को बाबा विजय माला कहते हैं। उस विजय माला का मणका वही बन सकता है जिसने मेरापन त्याग दिया हो। जरा भी मेरा मेरापन है तो बाबा बुद्धि से खिसक जाएगा। मैं धनवान हूँ, मेरा कारखाना, अगर ये मेरा मेरा है तो ऊंच पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्मातीत अवस्था वाले ही माला का दाना बनेंगे। बुद्धि से अनुभव करें, मेरा कुछ भी नहीं, बस मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, सबके साथ रूहानी कनेक्शन हो। बहुत गुह्य बात बाबा ने समझाई। अगर आप कुछ दान करते हो तो दान करने के बाद ये संकल्प ना आए कि मैंने ये चीज़ बाबा को दी। अर्पण की हुई चीज़ का फिर स्मृति में भी संकल्प ना आए, अर्पण कर दी बाबा की हो गई, फिर कभी वहाँ संकल्प ना चले कि ये चीज़ मैंने बाबा को दी। दाता को कोई क्या दे सकता है। यहाँ बाबा ने कहा तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, और कुछ भी याद आता है तो माया समझो बुद्धियोग भटका रही है। बाबा पूछ रहे हैं आज माया बुद्धियोग भटकाती है, बाप की याद भुला देती है। आप अभ्यास करते रहो, जीत आपकी निश्चित है। देवी देवताओं के कदमों में पदम दिखाते हैं, ये पदम आपकी निशानी है। पुष्प समान न्यारी स्थिति में रह के कर्म करो। यहाँ आप आए ही हो महान सौभाग्यशाली बनने के लिए। जितना जितना जो बच्चा प्यार से बाबा को याद करता है, खुशी खुशी याद करता है, उतना ही वो विजय माला का मणका बन जाता है। विकर्म विनाश होते हैं। याद दिलाया बाबा ने, तुम ही देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। देवी देवता बनने के लिए बाबा ने पूरे चक्र की स्मृति दिलाई, कैसे आपने 84 जन्म लिए। ऐसा अभ्यास करो अंत में बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। मेरा मेरा सब त्याग दो। सूक्ष्म में देह से भी मेरापन मैंपन नहीं आना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएगी। हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएगी। क्वेश्चन है, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है। माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है। माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना आए। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, वो सब भूल ना पड़े, किसी में भी ममत्व ना रहे, मेरा मेरा ना हो, बस ये भाई है, यही रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। सब कुछ भूलने वाले, रूहानी कनेक्शन रखने वाले ही माला में आ सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, ये तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप के बच्चे हैं। हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स ही हैं। ब्रदर्स को बाबा ने डायरेक्शन दिया, मुझे याद करो, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद कर रहे हो या बुद्धि योग कहीं और भटक रहा है। माया भटकाएगी जरूर, न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकाती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए। बाबा ने हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है,
ये 84 का चक्र पूरा हुआ, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है हम सब भाई भाई हैं, इसमें जिस्म की कोई बात नहीं, तुम जिस्म को याद नहीं करते हो। आत्मा रूप में भाई भाई हैं, आप जिस्म को याद नहीं करते हो, सिर्फ हम आत्मा हैं। हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी से याद करना है। हीरे जैसा बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंक निकल जाए। बाबा समझाते, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो, ये भी ज्ञान है, फिर बाप को याद करो, यह है विज्ञान। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म शांत है, घर भी शांत है, तो पहले हमें वहाँ पहुँचना है। घर हमारा शांति धाम, आत्मा भी शांत स्वरूप, बाबा भी वहाँ से आए हैं, परंतु मनुष्यों को इन बातों का बिल्कुल पता नहीं। ये पारलौकिक बाप सम्मुख बैठ के समझाते, बच्चे मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार क्यों आया हूँ, तुम्हें वापस ले जाने के लिए। अब तुम पतित विकारी बन गए, जन्म जन्मांतर विकार से पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता, तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, ये बाबा समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, इस याद से तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि धंधा धोरी नहीं कर सकते हो। बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा माला का दाना कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद ना पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, वे सब कुछ भूलना पड़े, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाबा के बच्चे हैं, भाई हैं, हमारा किसी में ममत्व नहीं, मेरा मेरा तो नहीं है ना, बस ये भाई है, यही कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु देह ही याद आई, आत्मा तो किसी को याद आई नहीं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो ये बातें बाबा समझाते और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते। बाबा तुम बच्चों को टाइम देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो, वो है हद की सर्विस, ये है सारे वर्ल्ड की सर्विस। जरूर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, सारा दिन कोई याद भी नहीं कर सकता। तुम अब बरोबर बेहद की सर्विस करते हो, जैसे बाप विचार सागर मंथन करते, ऐसे तुम बच्चों को मंथन करना सिखाते। करण करावन हार है ना, बाबा बेहद की सर्विस करते हैं, विचार सागर मंथन करना सिखाते हैं, करण करावन हार है तो तुम्हें करके सिखाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। सत्युग त्रेता में जो भी आते हैं वो विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं, सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे। तुम सब एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहाँ से यहाँ आके शरीर लेते हो। ये सब बातें बहुत सहज हैं जो तुम बच्चों को याद रहती हैं। तुम्हारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है, दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता। वो तो कह देते हम लीन हो जाएंगे, जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर कह देते जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुम्हें उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सब आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी, बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, इसको ही वंडर कहते हैं। तुम बच्चे कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बचाती है, कितनी सूक्ष्म है। 5 सेकंड अभ्यास करेंगे, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अपने मस्तक से दिव्य प्रकाश फैलता अनुभव करें। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करते रहो, आत्मा कितनी छोटी है जो पार्ट बचाती है, तो ये ज्ञान जैसे बाबा के पास है,
वो ज्ञान सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो, वो है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना रात के रहने वाले और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुखधाम में रहते हो, आधा कल्प दुखधाम में रहते हो। इसे कहा जाता दुरादेशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है, उन्हें झाड़ की नॉलेज है। तुम अब शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो। दूसरी कोई भी चीज़ याद ना आए, पूरा आत्म अभिमानी बनना है। दूसरी कोई चीज़ याद ना आए, पूरा आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। गाया जाता अंतकाल जो जो सिमरे, अगर कोई भी चीज़ होगी जरूर वो याद आएगी। ये विचार करने की बात है, अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है, तो याद आएगा जरूर। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि ये मेरी चीज़ है। बाबा को दे दिया तो बाबा की हो गई, फिर ये संकल्प मत लाओ कि ये मेरी चीज़ है। जब बाबा को दे दिया फिर तुम्हें याद ही क्यों आए, तुम भूल जाओ। अगर वो याद पड़ता है तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। अभी तुम्हें सब नई नई बातें मिलती हैं, पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीज़ें सब करनी घोर को देते हैं, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ देते हो, फिर याद नहीं आनी चाहिए। बस यही याद रहे, मैं भाई हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, शरीर भी नहीं। फिर नई दुनिया में सब नई चीज़ें मिलेंगी, वहाँ तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे। तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते, बच्चे तुम क्या बनेंगे? बच्चे कहते, बाबा हम तो नारायण बनेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है, परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज़ याद ना आए तब माला का दाना बनेंगे। पुरानी कोई चीज़ याद ना आए तब माला का दाना बनेंगे। 108 की माला तो राजाई की है, मंदिरों में फिर 16,108 की भी माला रखी होती, तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। तो बाबा कहते, बच्चे ख्याल रखो, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, जो अर्पण किया हुआ है वो भी याद नहीं आना चाहिए। बाबा कहते, मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं लेता हूँ जो रह जाए फिर उसका भरकर देना पड़े, क्योंकि मैं गरीब निवास हूँ। कई हैं जो देकर फिर जब कोई कारण से भगंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं, माया उनको एकदम डस लेती है। नहीं तो कहते हैं, चाहे मारो चाहे प्यार करो, वह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा। मारो चाहे ठुकराओ, ये मस्ताना आपका दर नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर ये क्यों कहते हो कि हम देते हैं? तुम तो लेते हो ना, कौन कहता है कि तुम कुछ दो? बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहाँ उनके लिए महल मिल जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं कि हमें महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाबा बहुत खुश होते हैं, वह इनके लिए नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार से सद्भावना से लेके आते हैं। ओहो भाग्य ऐसे बच्चों का, वो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम पर वो ही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली है। तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती जो कल्प कल्प चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, तो इसका भी कोई अर्थ होगा। अभी तुम्हें पद्मों की आमदनी होती है, तुम बाबा के पास पद्मा पद्मपति बनने के लिए आते हो, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो। एकाग्र हो जाएंगे संकल्प में, मैं महान 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 भाग्यशाली हूँ। अपने भाग्य के सितारे को चमकता देखें। बाबा ने कहा, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प कोई ड्रामा के प्लान अनुसार चलता
जैसे कि ड्रामा तुम्हें पुरुषार्थ कराता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं, तो ड्रामा के वश हुए ना। फिर ये ड्रामा किसके वश है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है। ये कोई कह सकता है कि ड्रामा कब बना? कोई पूछ सकता है? कह नहीं सकता कि ड्रामा कब बना, ये तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर वन मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए उसको कहा जाता ईश्वरीय मत, जो तुम्हें देवता बनाती है, और मनुष्य की मत छीछी बनाती है। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अभी गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है, तो ये बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। प्यार से चलना होता है, जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद बहुत ऊंचा होगा। चेक कर लेंगे अपने आप को, क्या मैं शांत और मीठा हूँ? जो बच्चे शांत मीठे होंगे उनका ऊंचा पद होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो हम बेहद बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है, बाप सिर्फ तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान वाच, मैं तुम्हें डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो अपनी तकदीर पर तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाता हूँ, अपनी तकदीर पर बहुत खुश होना चाहिए। वहाँ बाबा आकर के आप हमारी तकदीर बनाते हो, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए, कभी ये संकल्प भी ना आए हम बाबा को देते हैं, ये विचार कभी ना आए हम बाबा को देते हैं। वरदान है ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सब साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सब साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को भगाते हैं, लेकिन क्रोध के साथ बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना रहे। संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना रहे। ऐसा पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ऐसा पक्का पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। कोई भी विकार का अंश ना रहे, ऐसे संपूर्ण पवित्र बन जाए। स्लोगन है संगम योग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। आज हम अभ्यास करेंगे मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। बाबा ने अपना बनाते ही बहुत सुंदर महामंत्र दिया, पवित्र बनो योगी बनो। संपूर्ण पवित्र आत्माएं स्वयं के लिए संसार के लिए वरदान है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। चेक करें मेरे अंदर किसी विकार का अंश तो नहीं, काम क्रोध लोभ ये मोटे रूप हैं, इनके सूक्ष्म अंश को भी विदाई देने वाली मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अपने चमकीले रूप को देखें,
इसमें कोई विकार नहीं, कोई आकर्षण नहीं। पवित्रता के सागर को अपने सम्मुख देखें, वो पवित्रता का सूर्य मुझे भी पवित्रता की किरणों से पावन बना रहे हैं, अति पावन। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता के सागर बाबा, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।